अभी हम आ गए ज्योतिर्लिंग टेम्पल में और आप देख सकते हो पीछे छोटे छोटे से टेम्पल बने हुए हैं। यहाँ पर ये टोटल 108 टेम्पल है और सब में शिवलिंग बनाए हुए छोटे छोटे। मैं दिखाता हूँ, जैसे एक पूरा मंदिर आप ऐसे घूमोगे तो ऐसे छोटे छोटे आपको मंदिर दिखेंगे, हर मंदिर में शिवलिंग है। जागेश्वर टेम्पल में हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। अब हम जा रहे हैं कहाँ जोना? कुबेर मंदिर, ठीक है? और कहाँ से आए? कहाँ से आए? जागेश्वर टेम्पल से, ना? कैसे लगा सोना? सोना कैसा लगा? अच्छा। बोलो बहुत अच्छा। उधर देखो पापा को देखो। तो ऊपर है कुबेर टेम्पल। जय जागेश्वर महाराज। बोलो जय जागेश्वर महाराज। जय जय। आज नेक्स्ट डे हम उठे हैं तकरीबन 4:30 बजे। अभी तो थोड़ा फ्रेश व्रेश हो चुके हैं तो टाइम ज्यादा हो गया है। अभी हो रहे हैं 4:53 और हम जा रहे हैं देखने परफेक्ट सनराइज। अभी हम किसी एक जगह पर, मतलब पहाड़ी बिल्कुल ऊपर आ गए। एक बार 360 व्यू दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। अभी तो सनराइज नहीं हुआ है, ये मेरे पीछे है, यहाँ से निकलेगा सन। अल्मोड़ा में यहीं रुके हैं हम। लग रहा है कि निकलने वाला, देखो थोड़ा रेड रेड ज्यादा हो गया। यह है कसार देवी माता मंदिर। जय माता दी।
एसी ऐड कर रहे हैं अपनी पत्नी को। नहीं ऐसे कुछ लाइन नहीं है। ये देखिए, ये सीन नहीं देख पाएगा नहीं जल्दी से लगा कैमरा हो जाए हो जाएगा। नहीं ऐसा ब्लर सा दिख रहा है। नहीं यार एंगल फिर भी ठीक आ रहा है। हाँ कैमरा होता ना के बंद करके देख फीलिंग क्या आ रही है। और ये लगता चक्कर आया तो नीचे उठाने नीचे रोड पे पहुंच जाओ। क्यों ये फिर से मेरे पीछे है कसार देवी माता टेंपल और हम यहाँ पर बस एक रॉक दिखी थी बड़ी अच्छी जहाँ पर थोड़ी जा के बैठेंगे। ये है माता कसार देवी के दर्शन करते हुए जब हम ऊपर आए तो ये मेरे पीछे शिव जी का टेंपल है और ये है यानी लगभग हम ऊपर टॉप पर आ गए हैं और ऐसा दिखता है यहाँ से कुछ ऊपर। कसार देवी टेम्पल जो है यहाँ पर एक सच में जो बोलते हैं ना अलग फीलिंग आती है। आप बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाओ तो ऐसा लगता है कि आपका ध्यान में मन बहुत जल्दी लगने लगता है। आप कुछ बोल सकते हैं कि स्ट्रेस नहीं है या फिर पहाड़ों में आके थोड़ी टेंशन दूर हो जाती है। मैं भी काफ़ी जगह घूमा हूँ लेकिन यहाँ सही में डिफरेंस है क्योंकि ये उस बेल्ट के रीजन में आता है जहाँ कॉस्मिक एनर्जीज जो एक बैंड बनाती हैं उस एरिया में। तो मैं यही बोलूँगा कभी आप आओ तो यहाँ ज़रूर आओ घूमने के लिए। आप खुद फील करोगे यहाँ पर बड़ी शांति मिलती है।